तो भगवान राम ने कहा कि इतना त्रास देने पर भी तू गौतम को चाहती क्यों है? तो बोले मेरा पति मुझ में अत्यंत अनुरक्त है, अनुरागी है मेरा, और वो अन्य स्त्री की कल्पना नहीं कर सकता। तू मेरे स्त्रैण और पावित्र की रक्षा के लिए मेरे प्रति उसमें जो एक वर्चस्व का भाव है, स्वामित्व का, उसके वशीभूत उसे क्रोध आ गया और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति के क्रोध के कारण उनका परलोक बिगड़ जाए, मुझे वो देखेंगे क्रोध शांत हो जाएगा उनका। गए पति लोक आनंद भई, गए पति लोक आनंद रे, गए पति लोक ऐ भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि जो अति बरखा सोई बरखा, गई पति लोक आनंद भरे हरदद पराम्बा जब अत्यंत प्रसन्न हुई, दलिता राज राजेश्वरी सुधा सागर मध्यस्थाम अथवा सुधा सिंधुर मध्य, जो सुधा के सिंधु के मध्य रहती है, सिंधु सुधा का अमृत का, स्वर्ग को तो केवल एक ही घट मिला ना, और उस पर कितना झगड़ा हुआ, देवार्षो संग्राम, लेकिन वो तो सुधा के सागर में रहती है। आत्मरंजन के लिए, कैले प्रदा के लिए, सृष्टि को सुख देने के लिए, माधुर्य विस्तार के लिए, ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए, लोक सिद्धि के लिए, और विशेषकर स्त्रियों में अत्यंत सामर्थ्य प्रदान करने के लिए एक बार पराम्बा प्रकट हो गई इन तीनों देवताओं के बीच में। आ ब्रह्म कीट जननी उनके लिए कहा गया है। चतुरानन ब्रह्मा, देवादिदेव महादेव और ये सहस्र शिरिखा पुरुखा भगवान आदिनाथ जगन्नाथ नारायण आनंदित हो गए। आ ब्रह्म कीट जननी, उन्हें पता लगा हमारी जननी आ गई, इसी के सत्य से हैं हम, इसी की कोई सत्ता है, शक्ति है, लेकिन आज ये रूप से बनकर विविध वेश धारण करने वाली, आज ये नारी बनकर ऐसे विमोहित करने हमें चली आई। उनकी एक शक्ति प्रकट हुई और माँ ने कहा मेरा वर्ण कर लो। ब्रह्मा ने कहा नाना, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता आपके वर्ण की। नारायण ने आंखें मूंद ली, वो खिन्न हो गई, अप्रसन्न हो गई, तो महादेव को लगा कि क्यों इन्हें रुष्ट करें। महादेव ने कहा चलो हम वर्ण कर लेंगे आपको, हम वर्ण करेंगे आपको, लेकिन हमें मिलेगा क्या? हम आपको अगर वर्ण करेंगे तो हमको आप क्या प्रदान करेंगे? तो पराम्बा ने कहा जो आपको अच्छा लगता हो हमें वो मांग लीजिए, वो हम आपको दे देंगे। तो भगवान ने कहा कि ये दो तो नेत्र सबके देखे, तीसरा ये क्यों है आपके माथे पे, ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये ज्ञान नेत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वरधनम,
ये त्रिनेत्र है, ज्ञान नेत्र है, ये लय है, सृष्टि है, स्थिति है, संहार है, इसी में अनन्य ऊर्जा है, इसमें अग्नि है, तेज है, इसी में ज्ञान है, इसी से मैं सृष्टि की रचना करती। महादेव से रहा नहीं गया और वो कहने लगे ऐसा करो ये हमें अच्छा लग रहा है, हमें दे दो। और आपको एक निवेदन कर रहा हूं, महादेव के पास इससे पहले तीन नेत्र नहीं थे, दो ही थे, तीसरा दुर्गा से मिला है उनको, तीसरा नेत्र। महादेव के पास दो ही नेत्र थे, पराम्बा ने तीसरा नेत्र अपना निकालकर उनको दे दिया, लीजिए। इससे आप संहार कर सकते हैं हेय का, निंदनीय का, जो त्याज्य, अग्राह्य है, अमान्य है, अपूज्य है, निशाचरों का। भगवान संहारक है ना, भगवान शंकर वध तो करते नहीं, संहार करते हैं। वध तो विष्णु करता है, वध करते समय देता है सुधरने का, वध करते वो सुधरने का समय देते हैं कंस को, रावण को, लेकिन महादेव संहार करते हैं, दुर्गा संहार करते हैं।